गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा सातवीं विषय हिंदी व्याकरण। व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय का बहुत महत्व होता है, इसलिए आज हम उपसर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती है और उपसर्ग किसी शब्द के साथ जोड़ जाता है तो उपसर्ग क्या करता है, यह हम जानेंगे। तो यह जानने से पहले कुछ वाक्य मैं आपको समझाती हूँ, उन वाक्यों को देखने से आपको पता चल सकता है। जैसे लोग मेरा अभिनंदन करेंगे। दूसरा वाक्य है राजा ने अन्याय किया। तीसरा वाक्य है अनिल की विजय हुई। और चौथा वाक्य है वह प्रतिदिन सुबह उठता है। तो बच्चों, इन वाक्यों में नंदन, न्याय, जय, दीन, यह मूल शब्द है। इन शब्दों से पहले क्रमशः अभि, अ, वि, प्रति ये शब्द लग गए हैं। इसके लगने से मूल शब्द के अर्थ बदल गए हैं। इन्हीं शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। इसलिए हम उसकी परिभाषा इस प्रकार करते हैं, जो शब्दांश शब्द के पूर्व जोड़कर उसमें अर्थ परिवर्तन करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों का स्वतंत्र रूप में कोई अर्थ नहीं होता, वे किसी न किसी शब्द के साथ प्रयुक्त होते हैं और उनके अर्थ में बदलाव आता है। जैसे हार ये मूल शब्द है, इसके पहले आ उपसर्ग लगाने पर आहार नया शब्द बन गया। इसका मतलब यहाँ पर उपसर्ग आ, मूल शब्द हार और नया शब्द बन गया आहार। अभी हम कुछ और भी शब्द देखेंगे, जैसे अवगुण। अव उपसर्ग है, गुण यह मूल शब्द है और नया शब्द बन गया अवगुण। वैसे ही तीसरा उदाहरण, अभी यह उपसर्ग है, मान यह मूल शब्द है और उससे नया शब्द बन गया अभिमान। उसी प्रकार हम अभी चौथा उदाहरण देखते हैं, प्र यह उपसर्ग है, यज्ञ यह मूल शब्द है, उससे नया शब्द बन गया प्रयत्न। और अभी अंतिम शब्द है उप। उप यह उपसर्ग है, वन मूल शब्द है और उससे बन गया उपवन। तो देखिए, इन शब्दों को देखने से यह पता चलता है कि मूल शब्द के पहले अगर शब्द जुड़ने से नए शब्द बनते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों का अलग से यानी स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता, मूल शब्द से नया शब्द बनाने के लिए इनको मूल शब्द के पहले लगाया जाता है। कभी कभी उपसर्ग लगने से मूल शब्द में विशेषता आ जाती है। तो बच्चों, यह हमने उपसर्ग और उपसर्ग के उदाहरण देखे। अभी हम उपसर्ग के प्रकार देखते हैं। हिंदी भाषा में तीन प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग और तीसरा है विदेशी के उपसर्ग। तो पहले हम देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। ये उपसर्ग प्राय उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। जैसे अ का अर्थ है नहीं, अ उपसर्ग से नए शब्द बनाए हैं अज्ञान, अपवित्र, अदृश्य, अनीति, अव्यय, अन्याय। यहाँ पर सभी के मूल शब्द के अपने अपने अर्थ है, लेकिन हमने अ उपसर्ग लगा दिया है तो सभी के अर्थ में बदलाव आए हैं, यानी अर्थ परिवर्तन आ गए। अभी दूसरा उदाहरण, अंतर। अंतर यानी भीतर। तो अंतर इस उपसर्ग से
नए शब्द कौन से बने हैं? अंतरराष्ट्रीय, अंतरजातीय, अंतर्मन। अभी तीसरा उदाहरण, अति। अति यानी बहुत, तो इससे कौन से शब्द बने हैं? अतिशय, अतिरिक्त, अत्यंत, अत्याचार। अधि, अधि से अधिकार, अधिभार, अधिकरण, अधिपति। अनु, अनु से अनुकरण, अनुसरण, अनुरूप, अनुसार। तो ये सारे संस्कृत उपसर्ग के उदाहरण है। अभी हम दूसरा प्रकार देखते हैं, हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों को तद्भव भी कहा जाता है। इनका प्रयोग प्राय हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है, जैसे अध, अध यानी आधा। तो इस उपसर्ग से कौन से नए शब्द बने हैं? अध खिला, अध जला, अध मरा। दूसरा उदाहरण है अन, अन यानी अभाव। तो इससे कौन से शब्द बने हैं? अनपढ़, अनबन, अनहोली, अनजान। तीसरा उदाहरण है उन, उन से उनसठ, उनतीस, उनचास। चौथा उदाहरण है कु, कु यानी बुरा। तो कु उपसर्ग से नए शब्द बने हैं कुपात्र, कुमार, कुसंग। नी, नी से निडल, निकम्मा, निधर। स, स से सरस, सशक्त, सशंक। तो यह हमने हिंदी उपसर्ग के उदाहरण देखे। अभी हम तीसरा प्रकार देखते हैं, विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। इस प्रकार के शब्द भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कम। कम इस उपसर्ग से नए शब्द बने हैं, कमजोर, कम अकल, कम सिंह। दूसरा उदाहरण गैर, गैर से गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी। तीसरा उदाहरण है हर, हर एक, हर दम, हर पल। हम, हमराज, हम सफर, हम रोज। ना, नालायक, नाकाम, नाखुश, नापसंद। तो ये सारे विदेशी उपसर्ग के उदाहरण हैं। बच्चों आज हमने क्या सीखा? उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पूर्व जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। आशा करती हूँ कि उपसर्ग और उसके प्रकार आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।